우리 섹스해요. 당신 나 좋아하잖아. 나도 당신 좋아하거든. 그럼 된 거야. 걔 같은 거 필요 없이. हेलो गाइज, आज की मूवी का नाम द काइंड वाइफ है, जो 2016 की एक कोरियन सेक्स ड्रामा मूवी है। मूवी एक खूबसूरत लड़की के बारे में है, जो एक शादीशुदा पति पत्नी के घर में किराए से रहने लगती है। लड़की को संभोग करने की बहुत चुल रहती है, जिस कारण वो अपने मकान मालिक को सेड्यूस करने लगती है। मकान मालिक का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, जिस कारण वो उसके साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद दोनों लगातार उसकी वाइफ के पीछे संभोग करते रहते हैं। गाइज, मूवी के प्लॉट को ज़्यादा रिवील ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक शादीशुदा कपल को दिखाती हुई होती है, जो आपस में लंच कर रहे होते हैं। हस्बैंड का नाम जैमिन होता है और वाइफ का नाम जैनी होता है। जैमिन और जैनी शहर की लाइफ से थक गए होते हैं, जिस कारण वे एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। गांव में रहने के कारण वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। गाँव में खर्च चलाने के लिए जैमिन गार्डनिंग का काम शुरू कर देता है। तभी एक दिन जंगकुक नाम का एक आदमी उसके पास आता है। जंगकुक जैमिन की वाइफ जैनी का पुराना दोस्त था। जंगकुक उसी गाँव में एक कारपेंटर का काम करता था। एक दिन जंगकुक जैमिन को बताता है कि जो मिट्टी वो गार्डनिंग में यूज कर रहा है वो ठीक नहीं। वो जैमिन को सलाह देता है कि उसे एक कंपनी में काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा एडिटर है। इसके बाद जंगकुक ये भी कहता है कि जैनी चेयर और टेल बनाना सीखना चाहती है। ये सुनकर जैमिन घर जाता है और जैनी से पूछता है कि क्यों तुम जंगकुक से टेबल और चेयर बनाना सीखना चाहती हो। जैमिन को पसंद नहीं था कि उसकी वाइफ जंगकुक के साथ हो, क्योंकि उसे लगता था कि जंगकुक उसकी वाइफ के पीछे पड़ा हुआ है। जैनी कहती है कि वो चाहती है कि वो लकड़ी के बारे में जाने, क्योंकि उसे हाथ से चीजें बनाना पसंद है, इसलिए नहीं कि जंगकुक के साथ कुछ भी। उसी रात जैनी जैमिन से कहती है कि हमें अपने घर के खाली रूम को किराए पर दे देना चाहिए, लेकिन जैमिन उसकी बात को मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई अजनबी उनके साथ रहे। तब जैनी कहती है कि अगर वे अपने रूम को किराए पर दे देते हैं तो उनके पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए जैमिन आखिरकार अपनी वाइफ की बात को मान जाता है। अगले दिन जैनी रूम को साफ करने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, जिसके बाद वो तुरंत रूम को साफ कर देती है और उसे सोशल मीडिया में प्रमोट कर देती है। कुछ दिनों बाद एक लड़की उस रूम को किराए पर लेने के लिए अप्लाई करती है। इसके बाद जैनी जैमिन को उस लड़की को लेने के लिए बस स्टॉप भेजती है। जैमिन बस स्टॉप जाता है और देखता है कि जो लड़की उस रूम को किराए पर लेना चाहती है वो उसकी पुरानी बॉस जीसू है, जब वह शहर में काम करता था। जैमिन समझ जाता है कि जीसू यहाँ पर कुछ गंदा प्लान लेकर आई है, जिसके बाद जैमिन जीसू को लिए बिना ही घर वापस आ जाता है और घर पहुंचकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जीसू पहले से ही उसके घर पर होती है। इसके बाद जैमिन और जैनी जीसू से बात करते हैं और उसके इस गांव में शिफ्ट होने का कारण पूछते हैं। जीसू बताती है कि वो एक राइटर है और एक नोवेल लिखना चाहती है। वह कहती है कि उसे रूम बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए वो यहाँ पर रहने आई। उसी रात जब जीसू सोने के लिए कमरे में जाती है, तब जैमिन उसके पास आता है और जीसू से कहता है कि तुम्हें मेरा घर छोड़ देना चाहिए और मेरी फैमिली को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि जीसू और जैमिन का पास्ट में अफेयर था। जैमिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जीसू उसे रोकती है और उसे सेड्यूस करने लगती है और उसे प्लेजर देने लगती है। जैमिन यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया होता है। इसके बाद जैमिन और जीसू जमकर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जीसू के आने पर जैनी एक डिनर पार्टी रखती है। वे सब जब डिनर कर रहे होते हैं, तब जीसू कहती है कि जैमिन बहुत लकी है कि उसके पास जैनी जैसी वाइफ है। इसके बाद जीसू यहाँ भी अपनी आदत से बाज नहीं आती और अपने पैर से जैमिन के प्राइवेट पार्ट को दबाने लगती है। जैमिन की चौंक लेती है और उसका खड़ा हो जाता है, मतलब वो खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जैनी सोचती है कि जैमिन ड्रिंक लेने के लिए उठा है, इसलिए वो उसे रोककर खुद ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। जब जीसू और जैमिन अकेले होते हैं, तब जैमिन जीसू से फिर कहता है कि तुम्हें मेरा घर जल्द ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन जीसू कहती है कि वो उसका घर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे जैमिन से प्यार हो गया है। जीसू जैमिन को धमकी देती है कि अगर उसने उसे घर से निकाला तो वो उसकी वाइफ को उनके रिलेशनशिप के बारे में बता देगी। इसके बाद जैनी ड्रिंक लेकर वहाँ आ जाती है। जैनी जैमिन से कारपेंट्री का काम सीखने के लिए इजाज़त मांगती है। जैमिन जैनी को हाँ कर देता है। अगले दिन जैनी जंगकुक के घर जाती है और कारपेंट्री का काम सीखने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीसू जैमिन के कमरे में जाती है और उसके कपड़े देखकर अपने पास्ट को याद करने लगती है, जब उसका जैमिन के साथ अफेयर था। तभी जीसू जैनी को आते हुए देखती है, जिसे जंगकुक छोड़ने आया था। जीसू को यहाँ पर एक गंदा आईडी
आइडिया आता है, जिसके बाद जीसू जंगको के पास जाती है और उससे कहती है कि उसका जैमिन के साथ अफेयर है और वो जैमिन को पाना चाहती है, इसलिए वो जेनी और जैमिन के रिलेशनशिप को बर्बाद करना चाहती है। वो जंगको से पूछती है क्या तुम मेरी मदद करोगे जेनी और जैमिन के रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए। जंगको पहले मना करता है, लेकिन जीसू के यह कहने पर कि अगर वह जेनी को सेड्यूस करने में कामयाब हो जाएगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगी, जंगकुक मान जाता है। उसी रात जब जैमिन जेनी के साथ रूम में सो रहा होता है, तभी अचानक जीसू उस रूम में आती है और जैमिन को उसके साथ संभोग करने के लिए फोर्स करती है। इसके बाद दोनों फाइनली उसी रूम में जेनी के पीछे सेक्स करते हैं। अगले दिन जेनी जीसू से पूछती है कि तुमने कितने नोवेल लिखे हैं। जीसू बताती है कि उसने अभी तक सिर्फ एक नोवेल लिखा है जिसका टॉपिक बेवफाई है। बेवफाई शब्द सुनकर जेनी चुप हो जाती है। उसी रात जब जेनी को नींद नहीं आ रही होती है, तब वो नींद की गोली लेने के लिए उठती है और पानी लेने के लिए बाहर आती है, और वह जब देखती है कि जीसू कहीं बाहर जा रही है तो वो हैरान हो जाती है। इसलिए वो जैमिन को कॉल करती है और उसे जल्दी घर आने के लिए कहती है, लेकिन जैमिन कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ है, इसलिए उसे घर आने में देर लग जाएगी। जेनी जानना चाहती थी कि जीसू इतनी रात में कहाँ जाती है, इसलिए वो चुप नहीं बैठती और जीसू का थोड़ा पीछा करती है। इसके बाद जेनी जो देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वह अपने पति को जीसू के साथ झाड़ियों में इंटीमेट होते हुए देखती है। जेनी को ये देखकर काफी दुख होता है और वह वहां से रोते हुए तुरंत घर आ जाती है। अगले दिन जेनी जंगकुक के पास काम सीखने के लिए जाती है। जंगकुक यहां पर जेनी को सेड्यूस करने लगता है, तो जेनी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए वो वहां से गुस्सा होकर घर वापस आ जाती है। उसी रात भी सब आपस में डिनर कर रहे होते हैं, तभी जेनी उठकर किचन में चली जाती है, तो जंगकुक जेनी के पीछे किचन में जाता है और जेनी से आज के लिए माफी मांगता है, लेकिन जेनी अभी भी जंगकुक को माफ नहीं करती और उसे तुरंत वहां से बाहर निकाल देती है। इसके बाद जंगकुक घर जाने लगता है, तभी वह जीसू को उसके साथ सोने के लिए अप्रोच करता है। फिर जंगकुक अपने घर में जीसू की गुफाओं का आनंद लेता है जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाए। ये सब देखकर जेमिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने गुस्सा को शांत करने के लिए जेनी को बेड में पटक कर जेनी के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। अगले दिन जेनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो जंगकुक के घर जाती है और तुरंत जंगकुक को अपने साथ सेक्स करने के लिए फोर्स करती है, लेकिन क्योंकि जंगकुक का विश्वास मजबूत था, इसलिए वो जेनी के साथ सेक्स करने के लिए मना कर देता है और जेनी को शांत कर उसे घर ले जाता है। जंगकुक कहता है कि उसे ये सब जीसू ने करने के लिए कहा था, उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। जेनी भी बात को समझ जाती है। जब जंगकुक अपने घर आता है और तब वह देखता है कि जीसू पहले से ही उसके घर में है। जीसू कहती है कि तुमने जेनी को सब सच क्यों बता दिया। वह बहुत गुस्सा होती है। जंगकुक कहता है कि तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर जीसू अब और परेशान हो जाती है और अपने हाथ को काट लेती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर जैमिन घर जाता है और देखता है कि जेनी खाना बना रही है। जैमिन पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। तब जेनी पूछती है कि तुम्हारा और जीसू का क्या रिश्ता है। जैमिन जवाब दिए बिना ही जाने लगता है। तब उसे एक मैसेज आता है जो जंगकुक का होता है। मैसेज देखकर जैमिन चौंक जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि जीसू अस्पताल में है। जैमिन जल्दी से घर से हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन जेनी जैमिन के ऊपर अटैक करती है और उसे बेहोश कर एक कार्ट में बंद कर देती है। अगले दिन जेनी जीसू को देखने हॉस्पिटल जाती है, जहां पर जेनी कहती है कि उसे उसके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए उसने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। इसके बाद जेनी वहां से चली जाती है। तभी जीसू को एक मैसेज मिलता है जो जैमिन का होता है, जिसमें लिखा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सब देखकर जीसू और ज्यादा बिगड़ जाती है और रोने लगती है। इसी टाइम सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो मैसेज जंगकुक ने किया होता है जैमिन के फोन से। जब जेनी हॉस्पिटल से जा रही होती है, तभी अचानक जीसू हॉस्पिटल से कूद कर सीधे जेनी की कार के ऊपर गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी गार्डन में खाना खा रही है और जैमिन भी अभी जिंदा है। तभी जेनी कहती है कि मैं अपने पति को कभी भी नहीं मारूंगी और उसे कभी भी धोखा नहीं दूंगी। और गाइज यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।